वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू स्वीट विष्णु। लास्ट ब्लॉग जहाँ ख़त्म किया था, ये वाला ब्लॉग वहीं से शुरू कर दिया है। भाई लोग अभी नहा धो रहे हैं, अपन थोड़ा जल्दी तैयार हो गए। जल्दी क्या, ऐसे ऐसे 10:30 हो गए, 8 बजे उठे थे। थोड़ा सा वो ना 5-7 लोग थे तो एक बाथरूम था, टाइम लग गया। बाइक अपने दोबारा से पैक कर ली है, अभी चल रहे हैं। प्लान है टिहरी डैम का, मैं पहले कभी नहीं गया। और काफ़ी लोग ये शिकायत भी करें कि टट्टू का मोटर व्लॉगर की आपने वीडियो तो बनाया नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं वो मोटर व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जब बाइक चला रहा हूँ तो मैं उसको चीज़ को ज़्यादा या तो टेंशन लेता हूँ कि मैं सेफली चलाऊँ। व्लॉगिंग साथ में करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, व्लॉग करूँ फिर गाड़ी स्पीड में जा रही है, उसको भी साथ रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बस का नहीं है। भाई लोग अपने इसी से ही बना लेंगे, DSLR से रुक रुक के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, बाकी तो मैं जानता हूँ आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो करते रहिएगा। कुछ बीरोल बनाऊँ क्या? हाँ तो भाई लोग अपने को मिले हैं अपने एक सब्सक्राइबर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी कोई मिल सकता है। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम वरुण कुलश्रेष्ठ। एक बार किया था सर। हाँ, इनका मैसेज भी आया कुलश्रेष्ठा के नाम से ना, आता रहता है तो बहुत अच्छा लगा। तो वही डिस्कस कर रहा था इनसे कि बहुत ज़्यादा जाम था और साथ में अभी भी जाम है, अभी पुल के पीछे ना नेपाली फार्म पे जाम है। हाँ जी, मैं यही रहता हूँ। मेरे फादर TADC में वर्क करते हैं। TADC टीरी डैम जो होता है ना, टीरी डैम वहीं जा रहे हैं। हाँ जी, आप वहीं जा रहे हैं ना, तो उसका जो मतलब मेन हेड ऑफिस है वो वहाँ पे काम करता है। अच्छा यार, वो बताते हैं आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। हाँ जी, वहाँ पे परमिशन लेने के जाना होता है। तो मैं वही कह रहा था, मैंने आपके मतलब जो भाई हैं उनको बोला था अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर बता के आते तो आपको पास अवेलेबल हो जाते। तो अभी जाने नहीं? अब सर शॉर्ट टाइम पे क्रॉस तो कर सकते हैं ना सर, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं, ऊपर नहीं, साइड से। हाँ, साइड से व्यू देख सकते, साइड से अपने देख सकते हैं तो बन गई बात। दूर से देख लेंगे भाई, अपने तैरना नहीं। वहाँ से आप व्यू पॉइंट से ले सकते हैं, व्यू पॉइंट से देख सकते हैं अपने। काफी बड़ा डैम, एशिया का सेकंड नंबर पे, एशिया का सेकंड नंबर डैम है, तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पजेज की वजह से नहीं उड़ा सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मास्क पहना है, मास्क पहना है। हम टिहरी डैम की तरफ जाते हुए और रास्ते में देखो ये डॉक्टर अनिल बिश्नोई IMB अपनी बाइक के साथ में, और ये देखो टिहरी डैम में पानी। गाइस आए थे हम यहाँ पर टिहरी डैम, और डैम के पास तो जाने नहीं दिया। तो होटल है ये भी बंद है, रेनोवेशन चल रहा है, तो मोस्ट लाइकली अभी जाना पड़ेगा हमें। कहाँ जाना पड़ेगा? चंबा। चंबा जाएंगे, वहाँ जाके रुकेंगे। थक गए यार, मज़ा नहीं आया, बहुत थक गए। ट्रैफिक बहुत है, मतलब सड़कें अच्छी है पर ट्रैफिक बहुत है, परेशान हो गए। ये पीछे है टिहरी लेक, बहुत बड़ी लेक, बहुत बड़ी। तो ये है टिहरी लेक,
और हम हैं कोई व्यू पॉइंट जगह है, बोटिंग का मन नहीं कर रहा है किसी का भी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से काफ़ी थक गए सभी लोग। अभी यहाँ से जाएंगे हम चंद्रा ताल है ना यार, नाम भूल जाता हूँ उसका, चंबा। अभी चंबा जाएंगे या फिर कानाताल जाएंगे। बाकी यहाँ पे स्पीड बोट्स हैं, जेट स्कीज हैं, काफ़ी कुछ है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और ये व्लॉगिंग जो मैं कर रहा हूँ, मेरी वीडियो बना रहे हैं ये सीख रहे हैं, सेमी व्लॉगर है पर इतना थक गए यार, मैं बाइक पे थक गए, गाड़ी पे थक गए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उसी के चलते थोड़ा सा। शाम के कितने 5 बज गए ना, 5 बज गए लगभग, यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा हमें चंबा कानाताल पोस्ट में। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ब्लॉग दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं बना है, बस जितना है ऐसे ही है, देख लो बाइक के ऊपर ना इतने बढ़िया व्लॉग्स नहीं बनते हैं। अब गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर तो फिर भी मज़ा आता है, आपके फ्रंट कैमरा लगा लिया। अभी ये इसके अंदर कैमरा लगा तो मेरे नेक में पेन होने लग गया, अभी बैक में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंकलोजिंग स्पॉन्डाइटिस है उसकी वजह से। आगे कुछ रहेगा तो दिखाएंगे, अदरवाइज फिर बाय बाय है हमारे तरफ से। 12 seconds later. तुम अपना झगड़ा करते रहो, मेरा तो बना। गाइस कल यहाँ पहुँचते अभी हम पहुँचे कानाताल, वहाँ से चले थे, पता नहीं कहाँ से चले थे, कहाँ छोड़ा था अपने लास्ट फूड, मुझे याद भी नहीं है, टिहरी में बनाया था ना। रात को यहाँ पहुँचे करीब 6 बजे, शाम को 5 बजे चले थे वहाँ से टिहरी डैम से, और अंधेरा हो गया यहाँ, बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है यार। हम मुझे लगा कि थोड़ा भी वक्त मिलेगा जाके कुछ शूटिंग वगैरह करेंगे, कोई शूटिंग नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। आके फिर खाना वाना खाया, फिर रात के 8:30-9:10 बजे हम सो गए। अभी वापसी चलने का प्लान है, फिर से 7 घंटे का सफ़र है लगभग, मुझे अभी राइड करना है कंटिन्यूस 7 आवर्स घर पहुंचने के लिए। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं वीडियो शूट करूँ या राइड करूँ, बड़ा मुझे टफ लगती है चीज़। हाँ अगर मैं गाड़ी में होता तो ये है कि ड्राइव कोई और कर रहा है, मैं साथ में शूट कर लेता। और 2 दिन में हालत ऐसी, भाई साहब आलू जैसा सूजन आ गई हाथों के अंदर, आलू जैसी हो गई है राइड कर करके। वेल अगर रास्ते में कहीं मौका मिला तो ज़रूर आगे शूट करूँगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत बी रोल जो दोस्त लोग बना रहे हैं वही बहुत चाहिए। Mi alma se desborda de emoción. Nunca antes había sentido así. तो कुछ इस तरह से हम फाइनली घर पहुंच गए, और इस ट्रिप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रिप उतना ही रखो जितनी औकात हो, औकात से लंबी ट्रिप नहीं रखनी चाहिए। हमने सोचा था कि ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश रुकेंगे, वहाँ ब्लॉग बनाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे, बट फिर अपनी औकात से बढ़ के हम गए टिहरी डैम। टिहरी डैम के बाद हम गए कानाताल, जो कि ट्रिप का एक एडिट हिस्सा था और बहुत थका देने वाला हिस्सा था। सेकंड चीज़ ये सीखने को मिली कि मोटर व्लॉगिंग बहुत टफ है और थर्ड चीज़ ये कि आपको हमेशा अपना ट्रिप प्लान करके जाना चाहिए। जब कभी आप कहीं जा रहे हैं लंबे सफ़र पे तो आपको पता होना चाहिए कितना ट्रैफिक रहेगा उस तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आगरा जाता तो हो सकता कि यमुना एक्सप्रेस वे से जाते और आराम से रुकते और जल्दी टाइम पर पहुँचते, जल्दी टाइम से निकलते। अभी इस सफ़र में बस भागा दौड़ी में रहे, दिन हमारे पास 3 थे, उस 3 दिन में हमें पहुँचना भी था और नेक्स्ट डे फिर हमने ट्रिप एक्सटेंड कर लिया, उसके बाद में फिर वहाँ से वापस भागे।
तो सारा हमने मैसअप कर दिया। उस दिन क्या हुआ, जब मैं वापस घर पहुंचा, हम चले थे वहाँ से लगभग 10:10 पे, दोनों गाड़ी और बाइक दोनों इकट्ठी निकली थी, और बाइक क्योंकि तेज चलती है थोड़ी सी, तो मैं जल्दी ही नीचे आ गया। बाय द टाइम मैं नीचे ऋषिकेश पहुंचा, वो अभी रास्ते में ही थे। फिर मैं जब तक घर द्वार पहुंचा, वो ऋषिकेश पहुंचे थे। फिर वो खाना खाना रुक गए, मैं खाना खाने नहीं रुका, क्योंकि मुझे राइड करते हुए खाना बिल्कुल मन नहीं करता है। थोड़ा बहुत मैं कुछ ले लेता हूँ, अलग बात है। मैं रुका रुड़की में लगभग 2 बजे, तब वो हरिद्वार में ही जाम में अटके हुए थे। मैं मिला अपने इन सब्सक्राइबर से, और सब्सक्राइबर से मिलने के बाद इन्होंने मुझे CCD में कुछ गार्लिक ब्रेड वगैरह खिलाया। वहाँ से खा के आधा पौना घंटा मैं रुका, मुझे लगा मैं उनके लिए वेट कर लूँ, बट फिर वेट करने का फ़ायदा नहीं था। 2 बजे 2:30 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। मुजफ्फरनगर पहुँच के, मुजफ्फरनगर से मुझे लगा मैं दिल्ली होकर जाऊँगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, मैं मुजफ्फरनगर से राइट कर लेता हूँ थोड़ा सोनीपत। राइट में वहाँ से मुड़ा तो इतना जाम था वहाँ पे भी, मतलब 40 ऊपर मैंने बाइक नहीं चलाई। जहाँ हाईवेज था वहाँ पे तो 100-120 चली है, उसके अलावा जाम में ही निकला है। जाम में मैं जानता हूँ हार्ले निकालना कितना टफ काम है। ऊपर से गर्मी पड़ रही थी, नीचे से इंजन हीट लग रही थी, और साइड में ट्रैफिक की गर्मी, धुआं, बुरा हाल हो गया था। मैं जानता हूँ उस दिन 6 बजे मैं कैसे पहुँचूँ। हाँ, तो हम 10 बजे चले थे वहाँ से। मैं लगभग मुजफ्फरनगर से कटने के बाद में मैं लगभग घर पहुँच गया 6 बजे। दोस्त थे वो पहुँचे रात को 11-12 बजे। TUV थी, इतने जाम में फंसे हुए थे वो। अगली बार जो प्लान करेंगे, अगली बार को ट्रिप प्लान करेंगे, सोचो या तो फैमिली के साथ ही करूँगा, या अगर दोस्तों के साथ जाता हूँ तो मैं बाइक नहीं लेके जाऊँगा। बाइक हमेशा बाइकर्स के साथ ले जाना फायदा है। आप अगर बाइक को गाड़ी के साथ चला रहे हैं तो या तो गाड़ी स्लो होगी, हाईवेज पे गाड़ी आपसे आगे निकल जाएगी, तो मैच नहीं होता। बाइक्स होती है साथ में, तो बाइक्स के साथ आप चल सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो बाइक वाले रुक जाते, गाड़ी वाले को पता नहीं लगता कि बाइक में दिक्कत आ रही है क्या आ रही है। बीच में बाइक खराब भी हो गई थी, वो बाइक के अंदर कोई इंजन लाइट आ गई थी, वो फिर उन्होंने कस्टमर केयर पर सर्विस की, उन्होंने ठीक की। ओवरऑल ट्रिप अच्छा रहा, एक्सेप्ट फॉर द जैम। मैं काफ़ी थक गया था, मैंने अपडेट भी डाला। मेरा ये वाला कैमरा DSLR ये वापसी में गाड़ी में रह गया था, तो मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर पाया, व्लॉग शूट नहीं कर पाया। मेरे पास छोटे वाला था, उसी से मैंने थोड़ा बहुत जो सड़क का अपने लास्ट में देखा वो बनाया। सो गाइस, ये था मेरा ऋषिकेश का ट्रिप, जो कि मैं मैसअप कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी कोशिश करूँ थोड़ा प्लान तरीके से चलूँ, छोटा सफर रखें, ज़्यादा शूट करें और अच्छा व्लॉग बनाएं। तो आप मुझे बताइएगा कैसे लग रहे मेरे व्लॉग्स। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टोरी टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, और प्लीज़ बताइएगा कैसे लग रहे मेरे व्लॉग्स। आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, 86 all the hate, I broke in a bar today, got lost in the bar.